जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ऐसा जोश है। सर्वप्रथम तो मैं फाइटर डिफेंस एकेडमी उससे जुड़े हुए सभी लोगों का, सभी कैंडिडेटों का सम्मानित मंच पर विराजमान और जो और लोग आए हुए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मौका दिया आप लोगों से मिल सकूं और जो आपने आज प्रदर्शन किया है इस दौड़ के अंदर 1600 मीटर कभी मैंने भी की थी तो मुझे भी मेरे पुराने दिन याद आ गए। इतना अच्छा टाइमिंग तो मेरा नहीं था, 4 मिनट और 2 सेकंड्स कितना था। हाँ, बहुत बढ़िया उसका रिजल्ट है और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैं आशा करता हूं कि जो भविष्य में आप इसी क्षमता का प्रदर्शन करते रहे और इसी लगन से काम करते रहे तो भगवान आपको ज़रूर कामयाबी देगा। आप सेना, BSF, CRPF, अन्य जो श्रेणियां हैं उनमें जाने की योग्यता है आप लोगों के, ऐसा मेरा आकलन है। और अभी सिलेक्शन हुआ है, मैंने देखा उनका फोटो, मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत अच्छा उन्होंने किया और एक बहुत अच्छा भविष्य उन्होंने अपने बनाने के लिए सोचा है और मैं उनकी कामयाबी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं और आप सभी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी जो क्षमता है, आपका जो शौर्य है, जो साहस है और जो परिश्रम है वो कामयाब हो। गणेश जी आपके ऊपर कृपा करें। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। अब 2-3 बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा। व्यक्तिको ये नहीं सोचना कि जोश खत्म हो गया बुढ़े आदमी का। सबसे एक प्रथम बात जो खासतौर पे यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाना चाहते हैं यानी आर्मी, BSF, CSF और CRP, इन लोगों में जाना चाहते हैं पुलिस को छोड़ के, उनके लिए ये नौकरी का सवाल नहीं है। आप नौकरी करने के लिए इन सशस्त्र बलों के अंदर, सशस्त्र सेनाओं में नहीं जा रहे। नौकरी करनी है पुलिस में करिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में करिए, रेलवे के अंदर करिए, सचिवालय में क्लर्क बन जाइए। भारतीय सेना की या सशस्त्र सेनाओं की या सशस्त्र बलों की ये नौकरी नहीं है, ये एक सेवा है। अगर आपकी नीयत में सेवा है तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि भगवान आपको कामयाब करेगा। लेकिन जो लोग केवल नौकरी के लिए कारण से जा रहे हैं तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, कृपया नौकरी के लिए सेनाओं में मत जाइए या यूनिफॉर्म मत पहनिए, ये नौकरी नहीं है। मैं भी 19.5 साल का था जब सेना के अंदर गया, मेरे अंदर कभी भी ये विचार नहीं आया था कि मैं एक नौकरी करने जा रहा हूँ। उस समय हमारे अंदर जज्बा था देश का कि देश की सेवा करने जा रहा हूँ और ईमानदारी से करने जा रहा हूं, बेईमानी से नहीं। और 33 साल उसी ईमानदारी के साथ मैंने सेवा की। 1971 का युद्ध लड़ा, 99 कारगिल युद्ध लड़ा, उसके बाद विभिन्न इंसर्जेंसी क्षेत्रों में काम किया। 23 साल में मैंने पहला युद्ध लड़ा 1971 का, 23 साल की उम्र थी और कमांडो था मैं। ये जो रास्ता आप यहाँ देखते हैं ना, आप लोग दोनों हाथ से चढ़ते हैं, मेरा सिर नीचे होता था, पैर ऊपर होते थे, मैं रास्ता चढ़ता था। मैं अपनी कामयाबी आपको नहीं बताना चाहता हूँ लेकिन मेरा परिश्रम, मेरी मेहनत, मेरा जज्बा मुझे उस लेवल तक ले गया। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी कर्नल भी रिटायर हो सकता हूँ। आपकी सोच और मेरी सोच में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था उस समय। मैं भी सोचता हूँ कि चलो देश सेवा का मौका मिला है लेकिन आगे क्या होगा ऐसा कभी नहीं सोचा हमने। लेकिन जैसे जैसे हमने परिश्रम किया,
जो आप लोग कर रहे हैं, मेहनत की, दिलों में जज्बा था, ईमानदारी थी, तो भगवान ने मेरा साथ दिया और मुझे भी आगे प्रमोशन मिलता गया और एक रिटायरमेंट एज तक ले गया। बहुत कामयाब भविष्य मेरा रहा। बहुत प्रमोशन नहीं लिया, मैं ये नहीं कहता कि मैं जनरल क्यों नहीं बना, नहीं, ये प्रश्न नहीं है। देश सेवा करते हुए जो भी आप बन सकते हो या बन सकते हैं उसके लिए परिश्रम करिए, आप भगवान आपकी मदद करें, क्योंकि मेरा भगवान के ऊपर ज्यादा विश्वास। सेना के बारे में एक छोटी सी और बात बताता हूँ। जब मैं 71 का युद्ध लड़ रहा था, पाकिस्तान में 20 किलोमीटर अंदर घुसा हुआ था कमांडो के काम के लिए, उस समय आपका दिलो दिमाग वो उस मौके पर होना चाहिए। ना परिवार की याद आई, ना माँ बाप की याद आई, ना किसी और बहन भाई की याद आई, ना किसी और दोस्त की याद आई। एक ही जज्बा था कि ये पाकिस्तान में घुसने के बाद या जो टास्क मुझे दिया गया है उसको किसी तरीके से भी कंप्लीट करूं, और बहुत कामयाबी के साथ उसको कंप्लीट किया। हालांकि मेरे दो आदमी जख्मी हुए वहां पर, उनको लेकर के आया वापस 20 किलोमीटर। वो जज्बा होना चाहिए आपको, तो भगवान आपकी जरूर मदद करें। अब एक आखिरी बात मैं आपसे और करना चाहता हूं। जब तक आप सोचोगे नहीं, मन में विचार नहीं आएगा, और जब तक विचार आपका पनपेगा नहीं, आपका चिंतन नहीं हो सकता। आप सेना में जाना चाहते हैं या कोई और काम करना चाहते हैं, किसी भी आपके जीवन का कोई भी लक्ष्य रहा हो, लेकिन बिना चिंतन के नहीं करना चाहिए। चिंतन का मतलब है पहले सोच बनाओ कि मुझे सेना में जाना है, सेना मेरा लक्ष्य है, इसके लिए मुझे ये तैयारी करनी पड़ेगी। जब उसके ऊपर आपका सोच विचार कंप्लीट हो जाएगा कि भाई सुबह 5:30 बजे उठ के रनिंग करनी है, उसके बाद नाश्ता खा करके ये काम करने हैं, शाम को फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, स्पोर्ट्स के अंदर भाग लेना है, ये खेलना ही है, चाहे कबड्डी खेलो चाहे वॉलीबॉल खेलो, लेकिन खेल बहुत ज़रूरी है। जब आपकी ये सोच बन जाएगी तो आपका एक विचार जो है वो पक्का हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा, और उससे आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपकी जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी। जब आपका विचार सतत हो जाता है तो कोई भी आपको कामयाबी से नहीं रोक सकता। लेकिन जब आप रैली में जाते हैं ये सोच करके, यार चलो देखते हैं, भाग्य आजमाते हैं, वो एक कॉइन लेकर के टॉस करते हैं, अगर शेर आएगा तो जाऊंगा रैली में, नहीं तो नहीं, वहाँ कामयाबी नहीं मिल सकती। ये शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए अगर आपने, जैसे आप यहाँ मेहनत कर रहे हैं इस फाइटर डिफेंस एकेडमी में, और एक रूटीन बना हुआ है, एक अनुशासित ढंग से आपको भाई साहब ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसका फ़ायदा उठाइए। सोच उस प्रकार से बनाइए कि यही मेरा लक्ष्य है और यही मेरी सोच है, यही मेरा खाना पीना है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इस बात को मन में सोचिए। आखिरी बात, अपने लिए तो ठीक है, सब सोचते हैं कि मेरे को नौकरी के लिए तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है, तो इस काम के लिए करनी है, लेकिन इससे भी ऊपर एक विचार है, आपका परिवार, आपके माँ बाप, आपका समाज, आपका राज्य और आपका देश। ये ज़रूरी नहीं है कि देश सेवा के लिए सभी आदमी सेना में या सशस्त्र बलों में जाएं। आप जहाँ पर भी हैं या जिस फील्ड में भी जाते हैं वहाँ भी आप देश सेवा कर सकते हैं। बचता है कि आपके अंदर ईमानदारी हो, अनुशासन हो, और अपने परिवार, अपने राज्य, अपने समाज और देश के प्रति भावना हो। उस देश की भावना को मन के अंदर जगाइए। आप चाहें रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हैं, पुलिस के अंदर हैं, या किसी और क्लरिकल स्टाफ में गए हैं, कहीं और सरकारी नौकरी की है, चाहे रेलवे में हैं, आप अपना काम ईमानदारी से करिए,
और दृढ़ता से करिए तो वो भी देश की अव्वल दर्जे की सेवा है। सर, राइफल लेकर के बॉर्डर पे चला जाना या बॉर्डर पे लड़ाई या युद्ध लड़ लेना, वो केवल देश सेवा नहीं है, वो भी है अपने तरीके। लेकिन जिस फील्ड में भी आप जाते हैं, अगर आपके अंदर ईमानदारी है, जोश है, डिसिप्लिन, अनुशासन है, तो वहाँ भी आप देश की सेवा कर सकते हैं। ऐसा भाव मन के अंदर लाइए, और ये तभी हो सकता है जब आपको चिंतन करने की आदत पड़े। सोने से पहले एक बार सोचिए कि आज पूरे दिन में मैंने क्या किया, और मेरे इस सहयोग से या मेरे इस काम से किसका भला हुआ, किसका भला नहीं हुआ। अगर ईमानदारी से कर्म किया हुआ है तो सबका भला होगा। अगर आपने ढील ढाल से या बेमन से काम किया है तो कभी कामयाब नहीं होगा। तो ऐसा मन में विचार डालिए कि किसी भी फील्ड में जाऊं, देश की सेवा के लिए जाऊंगा, और पूरी ईमानदारी से और पूरे अनुसार के ढंग से मैं देश की सेवा करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और मुझे आपसे बात करने का मौका मिला। जय हिंद, वंदे मातरम।